जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी, जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी, रेसांगला की गौरव गाथा सबसे पहले आएगी, वीर अहीरों की गाथा फिर नम कर जाएगी, हवा पहाड़ी बलिदानों के जब जब गीत सुनाएगी, यादव कुल के दीवानों को शत शत शीश झुकाएगी, वीर अहीरों की वो गाथा आगे नम कर जाएगी। रेजांगला के वीर 114 अहीर सैनिकों की शहादत की पवित्र मिट्टी झारखंड आई है। हमें नाज है यदुकुल के वीर शहीद जवानों पर। आइए प्रदेश यादव महासभा की ओर से आयोजित सभी जिलों में 18 नवंबर को रेजांगला गौरव गाथा पद यात्रा में शामिल होकर अहीर रेजिमेंट की मांग को बुलंद करें। जय यादव जय माधव। शौर्य दिवस के उपलक्ष में अहीर रेजिमेंट का डिमांड के लिए रेजांगला से 114 वीर अहीरों की शहादत वाली मिट्टी हम सबों के बीच में आई है। हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर 18 नवंबर को अपने जिला मुख्यालय में प्रदेश यादव महासभा के द्वारा जो कार्यक्रम सुनिश्चित की गई है उसको मजबूत तरीके से कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय यादव जय माधव। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने बिहार में शराबबंदी असफल हो चुका है। आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को यह मानने को कहा है। जो ये बिहार में शराबबंदी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू किया उसका बहुत ही नुकसान हुआ। आप सब जानते हैं कि जो बिहार में अपना संसाधन तो बहुत ही कम है, तो जो 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपया आबकारी से आता वही खत्म। 300 से 400 करोड़ रुपया आप खर्च करते हैं शराब पकड़ने में, स्थिति क्या है पूरे बिहार में आप सब जानते हैं। मुख्यमंत्री जी को भी पता है कि सब जगह अवैध शराब का कारोबार, तो राजस्व का भी नुकसान, और सब लोग जो है इसको बिल्कुल मजाक बना रखा है। और एक और भी बात है कि बहुत सारे लोग इसके चलते जेलों में बंद हैं। देखिए, खान पान के संबंध में कानून बनाना और उसको लागू करना इतना आसान नहीं। लोहिया जी भी कहा करते कि खान पान पर जरा सा कानून बनाने में सोचना चाहिए। हाँ, शराब को कोई नहीं कहेगा अच्छी चीज़ है, लेकिन शराब बंद कैसे हो? माननीय मुख्यमंत्री सिर्फ कानून का रास्ता अपनाए, कानून के रास्ता से नहीं शराबबंदी हो। आपको पूरा का पूरा बिहार में जन जागरण करना पड़ेगा, वर्षों तक करना पड़ेगा, तब जा करके धीरे धीरे माहौल बनेगा। अब जो लोग शराब नहीं पीते हैं कानून के डर से नहीं पीते हैं, ऐसी बात नहीं है। जिस प्रकार का उनका बैकग्राउंड रहा है, जिस प्रकार के उनके पढ़ाई लिखाई रहती है, जिस प्रकार से लोग के पास बैठते उठते हैं, नहीं पीते हैं लोग, लेकिन कानून के जरिए से शराबबंदी जो आप किए हुए ना, वो तो मैं एक बार नहीं, मैं तो दर्जनों बार कह चुका हूँ जी कि पूरी तरह से फेल। और मुख्यमंत्री जी उसको मानने को तैयार नहीं, अब नहीं मान रहे हैं तो बिहार का नुकसान तो हो ही रहा है। आप जरा सोचिए, माननीय मुख्यमंत्री 17 वर्षों से हैं बिहार के मुख्यमंत्री, अब नालंदा राजगीर जिस इलाके में हम लोग हैं, आज तक ये कोई 5-स्टार होटल आया है? अब जितने भी हमारे इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं वो कहाँ रुकते हैं? बनारस में रुकते हैं, बस पर आते हैं, बस पर लौट करके चले जाते हैं। अगर यहाँ व्यवस्था होती, रिसोर्ट होते, इतने इस प्रकार के होटल्स होते तो लोग आते, और आप जानते हैं कि हमारे लोगों को रोज़गार मिलता, बहुत लोगों को रोज़गार मिलता, बहुत ट्रांसपोर्टरों को रोज़गार मिलता, लेकिन अब उनका एक जिद है, जिद का तो कोई इलाज होता नहीं। मांझी जी को कहना कि गरीब आदमी जो दारू पीता है, अब बड़े लोग के जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी को कहते हैं? क्यों इसको बिना मतलब का एक मुद्दा बनाए हुए? इसमें देखिए, मैंने पहले भी कहा था, ये कमेटी बना लेनी चाहिए, सरकार को बनाना चाहिए, पूरे इन सब चीज़ों पर विचार कर, और देखिए दोनों चीज़ का बिहार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार।
आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।